लगेगी, ये बात कुछ गड़बड़ सी है। एक बात ये लगेगी कि भाई हमें आरक्षण दिया, बहुत खुशी की बात है, आरक्षण दिया। तो एक समाज तो दूसरे समाज को ये कहता है, एक बिरादरी दूसरे समाज बिरादरी को कहती है कि हमें आरक्षण दे दिया, तुम हमारे विरोधी हो। और जिनको आरक्षण नहीं मिला वो कहते हैं कि तुम्हें आरक्षण दे दिया, तुम हमारे विरोधी हो। जैसे जैसे आप बड़े होंगे या जो बड़े हैं साथी, उनको ये बात समझ में आएगी। लेकिन असल में भीमराव अंबेडकर ये नहीं थे जो आपको दिखाया गया। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो असली रिसर्च की थी, जो पीएचडी करी थी, वो संविधान में नहीं थी। यानी वो संविधान के निर्माता कम उससे बड़े काम करने वाला कोई और था। आदमी नहीं कह रहा, मतलब किसी और विषय पे इस आदमी ने ज्यादा बड़ा काम किया। अब वो आपको पता ही नहीं, ना हमें पता। और इस बारे में जब मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद, उसके बारे में आपको ये बताता हूं, ये किताब आप सबको किसी ने नहीं दिखाई होगी, मैं इसको पढ़ के बताऊंगा। ये किताब लगभग 550 पेज की है। क्या है ये किताब? जो कभी भीमराव जी के किसी भी अनुयायी को यह किताब कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर यह किताब किसी ने पढ़ा दी तो उनको मारेंगे जूते और यह समाज इकट्ठा हो जाएगा। आप वहां थे ना, आपने सुना था सारा, क्लियर हो थी बात। क्या है यह, सुनो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग में मतलब उनके बारे में लिखा गया बहुत सारा हिस्सा। और असली जो उनका ज्ञान है, असली जो उनकी पीएचडी थी, असली जो उन्होंने पूरी जिंदगी के 10 साल से ज्यादा खपाए, वो थे रुपए की समस्या, इसकी शुरुआत और इसका समाधान। और ये आपको कभी किसी ने बताया नहीं। बताओ, बताया हो तो। क्या आपको बताया कि अंबेडकर जी ने रुपए के बारे में कुछ बताया? आपको केवल आज तक यह बताया कि अंबेडकर जी ने तो हमारे लिए आरक्षण तैयार कर दिया तो हम बच गए, यही तो बताया होगा। लेकिन ऐसा वो इतना सा हिस्सा है जो बताया, और जो नहीं बताया वो इतना सारा हिस्सा है। जब इस हिस्से पे हम बात करेंगे इस टाइम बैठ के, तो हमें पता चलेगा कि वो आदमी तो पूरे समाज को जोड़ने वाला था, लेकिन एक आरक्षण वाली बात ने तो हमें समाज ने तोड़ दिया। हम एक दूसरे को गाली ही देते हैं। मैं आप सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, खासकर जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला वो अंबेडकर को गालियां देते हैं, और जिनको आरक्षण मिल गया वो अंबेडकर जी को पूछते हैं। मुझे आरक्षण नहीं मिला, मैं ब्राह्मण बिरादरी के हिसाब से मैं वैसे मानता हूं, मैं आर्य समाजी आदमी हूं, मेरे लिए आदमी कितना अच्छा है वो मैटर कर रहा है, किसी बिरादरी का कोई भी है, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक आज की व्यवस्था के हिसाब से बोलूं, मैं ब्राह्मण बिरादरी में हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, आप सबसे भी ज्यादा। आपको चाहे बुरा लग जाए, लेकिन आज सबसे ज्यादा सम्मान मैं करता हूं। क्यों करता हूं, सुनो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा, और संविधान जब लिखा तो संविधान लिखने से कुछ दिन पहले एक अंग्रेज आया भारत में। जिन जिन साथियों के पास, जिन बहनों के पास, जिन माताओं के पास बड़ा फोन है, जो बेटियां बैठी हैं इनके पास बड़ा फोन है, इसको आप सर्च करना, गूगल पे खोज करना, बहुत सारा आपको वांग में बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। मेरी एक भी बात को नहीं मानना जब तक आपको वो वेरीफाई ना हो जाए, ठीक है। संविधान लिख दिया, बहुत सारे अनुच्छेद लिख दिए, बहुत सारी धाराएं लिख दी, बहुत सारे कानून लिख दिए, और पूरा इतना बड़ा चिट्ठा लिख दिया जिसको हम मानते हैं और हम जिस पे चलते हैं। मैं भी उस संविधान को मानता हूं, पूरा देश उस संविधान को मानता है। उस संविधान को चलते हुए लगभग 75 साल हो गए, लेकिन जिस अंबेडकर जी को उठाए हम घूम रहे हैं, जिस संविधान की बात हम कर रहे हैं, उसका आपने गौर नहीं किया। थोड़े दिन पहले जब कोरोना की बीमारी की बात आई थी, पता क्या हुआ? मेरा अधिकार है स्वतंत्रता का, मैं बोल सकता हूं, मैं घूम सकता हूं, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक, है ना।
ये सारे के सारे अपने अधिकार हैं। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया, सब घरों में कैद थे कि नहीं थे? बोलते रहो, कैद थे ना, पुलिस वालों से डर रहे थे ना, हमें अपनी मर्जी से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, इनकी मर्जी थी कौन सा टीका लगाएंगे कौन सा नहीं लगाएंगे, हमें सांस लेने का अधिकार छीन लिया था कि नहीं, कपड़ा बंधवा दिया मुंह पे। एक बात अब बच्चों ये बताना, आप पढ़े लिखे गुड़िया बैठी हैं बहुत सारे भाई, आप जब सांस लेते हो ऑक्सीजन लेते हो, छोड़ते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। अच्छा, कपड़ा बांध दिया मुंह पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कपड़े में से बाहर आएगी या वापस सूंघ लेंगे हम? अगर एक मोटा सा कपड़ा मैं से बांध लूं तो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी या नाक के अंदर वापस सूंघ लूंगा मैं उसको? वापस आएगी। मतलब हमारी मूर्खता का पैमाना इस हद तक था कि हमें सांस लेने की स्वतंत्रता बंद कर दी इन्होंने। किसने? सरकारों ने। ना मैं बोल पाया, हमारे जैसे चिल्ला रहे थे कि भाई तुम्हारा ये फ्रॉड है, तो डॉक्टर देवेंद्र बलारा को 3 दिन जेल में रखा था, और 3 दिन जेल में रखने के बाद हम यहां पे आराम से सांस ले पा रहे हैं। उस दिन के बाद ये मास्क बंद हुआ। विज्ञान क्या कह रहा है? एक एक बात ध्यान से समझना, चर्चा थोड़ी देर की है लेकिन जिंदगी बदलेगी आज अपनी। जो आदमी हमें जोड़ने के लिए पैदा हुआ था, इन हरामखोरों ने उस आदमी को हमारे बीच में तोड़ने वाला बना के बैठा दिया। समझ रहे हो बात को? इतने बड़े महापुरुष को तोड़ने वाला बना के दिखाया, जबकि था वो देश को जोड़ने वाला आदमी। तो इसको समझना अपने को। जब ये काम हुआ तो इन्होंने सारा सिस्टम हमारा बंद कर दिया, सांस लेना तक बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया, खाना पीना क्या खाएंगे, दवाई कौन सी लेंगे, किस डॉक्टर के पास जाएंगे, सब बंद कर दिया। कर दिया था कि नहीं कर दिया था? जिस आधार पर, जिस नियम पर यह बंद हुआ, वो नियम था WHO का नियम। क्योंकि पूरी दुनिया में कौन काम कर रहा था कोरोना में? WHO। पता है आपने WHO का? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर्च करना इनको। WHO का जब ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा था, तो उस समय भारत का संविधान काम नहीं कर रहा था। अगर भारत का संविधान काम करता तो मुझे बोलने की भी आजादी होती, सांस लेने की भी आजादी होती, घूमने फिरने की भी आजादी होती। लेकिन उस समय आपको क्या बोला? अगर आपने दवा नहीं ली, बस में नहीं चढ़ने देंगे, आपको रेलवे स्टेशन पे नहीं जाने देंगे, आपको नौकरी पे नहीं जाने देंगे, आपको कुछ नहीं करने देंगे। ये कर दिया था। कर दिया था कि नहीं कर दिया था? ये तो था 2 साल पहले। अब अगली बता देता हूं मैं, क्या खतरनाक खेल आ रहा है अपने बीच में, बता दूं। एक नाम है इंटरनेशनल पैनेड्रेमिक ट्रीटी, बच्चों याद रखना, और अगर याद ना आए तो मैं इस वीडियो का लिंक दूंगा आपको, वो देख के उसमें जो जो पॉइंट आएंगे उनको आपको खोजना है, सर्च करना और समझना है। ठीक है, समझ लोगे क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, सुनो ध्यान से। एक गुड़िया है, अब पता नहीं कहां की है, मैंने उसकी वीडियो देखी, एक बाबा बड़ा फिर रहा है, बड़े बड़े बाड़ों वाला, देवकी नंदन ठाकुर बोल रहा हूं, उसने सुना होगा आप सबने, कई बार देखा भी होगा। उसको एक बेटी बोली, एक छोटी सी गुड़िया बोली कि स्वामी जी एक बात बताओ, हम शिवलिंग पे जाते हैं और दूध का लोटा उड़ेल देते हैं, यानी नहला देते हैं, मुझे यह लगता है कि वो दूध इतना सारा नाली में जाता है, इसकी बजाय एक काम करें, उसमें से उंगली डुबोए, 2 छींटे दे दे तो शिवलिंग पूजा भी हो गई और उस दूध को किसी को पिला दे। यह बात गलत है क्या? उस गुड़िया की बात तो परफेक्ट फिट है। उस नालायक को वो बात समझ नहीं आई और उसने वो दमका के बैठा दी। अब वो गुड़िया उस प्रोग्राम में तो बैठ गई लेकिन पूरी जिंदगी नहीं बैठेगी वो, क्योंकि मेरे समाज के विज्ञान को जब तक बच्चों को नहीं बताया जाएगा, जब तक वो समाज टूटता रहेगा। हमारी जो असलियत है, जैसे उसने उस दूध की नहीं बताई और वो गुड़िया दमका के बैठा दी, उसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो जो सच था
वो कभी नहीं बताया हमें, और जो जो झूठ था वो बताया। समझ रहे हो बात? अब जो संविधान 75 साल तक जिसको हम माथे पे उठाए घूमते रहे, अब वो ये लोग